अलग अलग फाउल होती है, अलग अलग पास बात करते हैं कॉइन रखने की। इसमें 9 कॉइन तो ब्लैक कलर की होगी और 9 की कॉइन व्हाइट कलर की होगी। इसका भी एक पॉइंट है और इसका भी एक पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं जब खेलते हैं, इसको भी 20 पॉइंट का मानते हैं, इसको 10 पॉइंट का मानते हैं, 50 पॉइंट का। लेकिन ऐसा नहीं है, कैरम जब टूर्नामेंट होते हैं ना उसमें ये सिर्फ 2 नंबर की रहेगी, यानी इसके 2 पॉइंट काउंट होंगे। इसका 1 नंबर काउंट होगा, इसका 1 नंबर काउंट होगा। अब इसमें लगाने का तरीका, इसमें पहले 2 यहाँ, सबसे बीच में रेड, उसके बाद ये 2 व्हाइट यहाँ, उसके बाद 2 व्हाइट यहाँ, 2 ही व्हाइट यहाँ, यानी ये एक शेप बनेगी इस तरह वाई आकार की जी। उसके बाद 3 ब्लैक कॉइन यहाँ रखी जाएगी, फिर 3 ब्लैक इस साइड रखी जाएगी और लास्ट वाले 3 ब्लैक कॉइन इस। अब जो ये 3 व्हाइट कॉइन बच गई, अभी इनके बीच में अब ये शेप होगी सभी में। अब होती है टॉस, टॉस विन कर गया, जैसे टॉस मैंने विन किया तो मुझे जो टॉस विन किया यानी जो सबसे पहला स्ट्राइकर चलेगा उसे सिर्फ वाइट वाइट कॉइन ही कवर करनी है, जो सामने बैठा अपोजिट साइड उसे सिर्फ ब्लैक कॉइन कवर करनी है। और सबसे लास्ट बड़ी बात यह है कि जब ये सारी कॉइन कवर हो जाएगा रेड बार होगी तो वो लॉस हो जाएगा गेम। और अगर मुझे जैसे मैंने टॉस विन कर लिया, मुझे चलना है पहला स्ट्राइकर, तो सबसे पहले सामने नहीं मारना स्ट्राइकर, सबसे पहला स्ट्राइकर लगेगा वो बैक लगेगा यहाँ से ऐसे, उसके बाद ब्लैक वाला चलेगा इधर से, फिर मुझे व्हाइट वाइट कॉइन ही डालनी है। अब इसमें कुछ रूल बता देता हूँ मैं आपको, रूल जैसे ये कॉइन पड़ी है ना, ये फाउल नहीं है, ये फाउल नहीं है, ये भी फाउल नहीं है, ये भी फाउल नहीं है, ये भी फाउल नहीं है, यानी आप इसे ऐसे डाल सकते हो अंदर, सिर्फ ये कॉइन फाउल है। यानी कि अगर मेरा स्ट्राइकर इस साइड है तो जो इसके ऊपर कॉइन पड़ी है ना वो मेरा फाउल है सारा, यानी मैं इसे नहीं चल सकता। हाँ, इसे आप ऐसे डाल सकते हो ऐसे शॉर्ट करके, इसमें ना शॉर्ट ऐसे भी लग सकते हैं, नेल टच होनी चाहिए यहाँ, हाथ इसके ऊपर नहीं रखना कैरम बोर्ड के, हाथ अपनी बॉडी पे ही रखना, उठा के बैठ अपना हाथ का, यहाँ से ऐसे चल के शॉर्ट लगा सकते हो, इस साइड से जो शॉर्ट लगा सकते हो वो आप ऐसे लगा सकते हो शॉर्ट, ठीक है। ये फाउल नहीं है और एज ए रूल के अकॉर्डिंग यही सारी चीज़ चलती है। फाउल वाली बात यह है कि जैसे कॉइन मैंने स्ट्राइकर मारा, कॉइन उछल के बाहर चली गई, तो ये कॉइन आप अंदर रख सकते हो बिना किसी फाउल के। इसमें ये फाउल है, जैसे स्ट्राइकर मेरा अंदर चला गया तो फिर मुझे अपनी, जैसे मैंने व्हाइट डाली तो मुझे व्हाइट कॉइन यहाँ सेंटर में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और रेड डालने के पीछे मुझे एक बैकअप देना पड़ेगा, चाहे वो व्हाइट वाला डाले चाहे वो ब्लैक वाला डाले, उसे इसके पीछे एक बैकअप देना पड़ेगा, यानी कि बैक पॉइंट डालना पड़ेगा। ये डालने के पीछे या तो व्हाइट डालो या उसके पीछे ब्लैक डालो। अब ये होता है जैसे मान लो ये सभी कॉइन अंदर चली गई, लगभग मोस्टली कॉइन अंदर चली गई, ठीक है। जैसे ये कॉइन अंदर चली गई सारी इसकी भी, और ये कॉइन रहेगी बाहर। तो अब अगर ये कॉइन इस ब्लैक वाले ने अपोजिट वाले ने अगर ये कॉइन पहले डाल दी तो वो मैच लॉस्ट कर दिया, यानी ये कॉइन पहले नहीं डाली जब तक ये रेड बार पड़ी है ना, तब तक आप इस कॉइन और इस कॉइन को नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये डालोगे ना तो इसके पीछे बैकअप डालना ज़रूरी है। अगर मैंने जैसे मैंने वाइट कवर कर ली सारी, ठीक है, और ये बाय द वे सामने वाले जो प्लेयर है उसने भी अगर शॉट मारा, जैसे यहाँ पड़ी है उसने शॉट मारा इस पर और वो अपोजिट टीम का, तो मैं गेम विन कर गया, मैं लॉस नहीं किया, क्योंकि ये वाइट विकेट जो थी वो मेरी थी बट डाली उसने है तो वो गेम लॉस्ट कर गया। यही फाउल है और कोई ज़्यादा फाउल नहीं है इसके। धन्यवाद, जय हिंद, लाइक एंड शेयर कीजिए।